जय हिंद सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और आपके इस पब्लिक हैरेसमेंट की चश्मदीद गवाह। क्या चल रहा है ये? जी सर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि किस तरह से आप बेवजह इनोसेंट लोगों को पब्लिकली परेशान करते हैं। वो तीन लड़कियां वो अब तक थाने में बैठी हैं इस इंतजार में कि कब उन्हें जस्टिस मिले और कब वो फाइनली अपने घर जा पाए। 30 मिनट है आपके पास। अगले 30 मिनट में आप उन तीनों लड़कियों के नाम माफीनामा लिखकर पेश करेंगे, कहेंगे कि ये सारी गलती आपकी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना सर, तो बेकार में बात बढ़ जाएगी, थाने का, हम सब का टाइम वेस्ट होगा और मीडिया को तो आप जानते ही, बेवजह डिपार्टमेंट का बक्कल उखाड़ देगा। 30 मिनट है सर। जय हिंद। बहुत जल्दी में है हसीना मलिक, तेज रफ्तार बहुत घातक होती है, जानती नहीं हो अभी तुम हमें। बताते हैं तुम्हें क्या चीज है रतन ठाकुर। हाँ पंडित जी, पायला सब कुशल मंगल। एक छोटा सा कष्ट देना था आपको। वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे कहने पर आपने लास्ट मिनट पर भी इतना अच्छा नाटक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। बहुत सही फंसाई रतन ठाकुर को मैडम सर आप। ऐसे आदमी को काबू करने का ना बस यही तरीका है। क्यों संतोष जी? तरीका चीते जो भी हो, मैडम सर जो है वो हर केस तजुर्बे से सॉल्व करती है। ये बात तो सच है। चलो अच्छा हुआ ना, अब रतन सिंह का माफीनामा भी आ जाएगा, बच्चियों को मनचाहा इंसाफ भी मिल जाएगा और ये यहाँ से चली भी जाएंगी अपने अपने घर। चाहे जो भी हो, फाइनली जीत सच्चाई की हुई। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर हसीना दीदी। And be mad. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! क्या बात है पुष्पा जी, आजकल फोन बहुत आपका बज रहा है। नवाब साहब। नहीं नहीं वो तो, और अगर बज भी रहा है तो आपको क्यों जलन हो रही है? हाँ तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना जो हमारा लल्ला आपको बार बार फोन करके पूछे कि चीकू कैसी हो तुम, हमारा बंटी कैसा है, बबलू कैसा है, मुनिया कैसी है, चिंकी कैसी है, चिक्कू पुक्कू लल्लू टुट्टू कैसे है ना, मतलब पूरे मोहल्ले के बच्चों के बारे में लल्ला हमसे फोन करके काय पूछेंगे? नहीं नहीं हम मोहल्ले के बच्चों के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो आपके और हमारे लल्ला के बच्चों के बारे में कह रहे हैं ना संतोष। पुष्पा जी देख। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कहिए। ये आपके लिए मैडम। मैम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या है ये? FIR का कॉपी है मैडम सर। क्या? हेडक्वार्टर से ऑफिशियल मेल आया मैडम सर, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी है। व्हाट? ना मैडम सर, इतना ही नहीं, आप पे और भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपने इन लड़कियों को फेवर करने के लिए रतन ठाकुर के खिलाफ केस सेटअप किया है, उसे पब्लिक हैरेसमेंट के झूठे केस में फंसाने का कोशिश किया और उसे ब्लैकमेल भी किया है। और इन लड़कियों पे भी चार्जेस लगाए हैं, सड़क पर तय सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक लगाकर नाच गाना, शहर की शांति भंग करना, लोगों को परेशान करना, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ये सब गलत है, हमें झूठा फंसाया जा रहा है। आपने ली थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों की, ये निभाई है झूठे केस में हमारे बच्चों को फंसा के। थाने में सीनियर की कदर वदर है कि नहीं है? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, महिला थाना जनपद लखनऊ। अरे बैठ जाओ भाई। यहाँ कैसे? सर वो कहा है कि। अरे बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। अरे महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं जी।
अब बताइए आप कैसे आना हुआ? नहीं सर, हम आज एसआई की हैसियत से नहीं आए हैं। वो पुलिस विभाग हमारा एक परिवार की तरह है और आप उस परिवार के बड़े सदस्य हैं। आप बस यूं समझ लीजिए कि उस परिवार का एक छोटा सदस्य आपके सामने एक फरियाद लेकर आया है सर। आप समझ रहे हैं? क्या बात है। अरे देखना भाई, आज सूरज पूरब से ही निकला है ना। आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रही है करिश्मा सिंह, उस दिन तो बड़ा कड़क बोल रही थी। नहीं 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 सर, वो कहा है ना कि हमारा फिटिंग थोड़ा ऐसा है ना कि गलत फहमी हो जाती है लोगों को। आप सर, आप हमारे बड़े हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं सर। मुद्दे पर आइए एसआई करिश्मा सिंह, कहना क्या चाहती हैं? सर जैसे कि हमने कहा कि हम पुलिस विभाग एक परिवार की तरह है और परिवार में थोड़ा बहुत। अरे मैडम को चाय वाय पिलाइए। नहीं नहीं धन्यवाद सर, चाय नहीं पीते हम। अच्छा खैर बताइए आप क्या कह रही थी। हम ये कह रहे थे कि परिवार में खटपट चलता रहता है सर, वो कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है, आप समझ रहे हैं बात को। तो अगर छोटों से कुछ गलती हो जाता है तो बड़ों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। आप वो कहावत तो सुने होंगे ना सर, बड़न को जचे क्षमा और छोटन को उत्पात। सर बस ऐसा ही है कुछ, जो भी गलती हुआ है आप माफ कर दीजिए। आपने जो मैडम सर पर आपने जो इंक्वायरी बिठाया है, अगर आप उसे वापस ले ले तो क्या है कि आप जो भी कहते हैं वो हो जाता है ना। तो सर आप देख लीजिए। वो विद्युत पंडित जानते होंगे आप? अरे भाई राजनीति के पुराने और घाक खिलाड़ी हैं। उनका फोन आया ना, आपके खिलाफ बोल रहे थे, आपके खिलाफ सत्य से सत्य विभागीय कार्रवाई हो और उन लड़कियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आप तो अच्छी तरह से समझती है कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे। जी सर जानते हैं, रतन ठाकुर। उन दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता है, फैमिली रिलेशन है, इसीलिए वो खुल के रतन ठाकुर का सपोर्ट कर रहा है और दोनों की महिलाओं के प्रति विचारधारा एक ही है। और आपकी लड़ाई गलत सोच रखने वालों से नहीं है, गलत सोच रखने वाले पावरफुल लोगों से है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा मिस मलिक कि हमेशा इन सब पचड़ों में आपका महिला थाना ही क्यों पड़ता है। देखिए सर, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम उन लड़कियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर उन पर गिरफ्तारी जैसा ढब्बा लग गया तो फिर उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार तो हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि हसीना मलिक को खुद से ज्यादा फिक्र उन लड़कियों के भविष्य की है। जाकर कहिए मैडम हसीना मलिक से उन लड़कियों को यहाँ लेकर आए, हाथ जोड़कर कान पकड़कर हमसे माफी मांगे और कहें कि लड़कियों के बर्ताव में कमी थी, हमारी सोच में नहीं। मामला खत्म, हम इंक्वायरी वापस ले लेंगे। और हाँ, माफीनामा लिखित में। करिश्मा सिंह, तुमको बहुत भारी पड़ेगा सीनियर पे हाथ उठाना। हमा बक, सीनियर होता है सही रास्ता दिखाने के लिए, अपना घटिया और बेहुदा सोच दूसरों पे थोपने के लिए नहीं होता है। तुम कितना घटिया इंसान हो ये तो हम उसी रात जान गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं, क्योंकि लिहाज कर लिए ना आपका वर्दी का और आपके पद का, लेकिन आज वो लिहाज नहीं करेंगे। ऐसा तोड़ेंगे ना आज तुमको कि जब जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सना देखा। ये महिलाओं को सपने देखने की बड़ी बीमारी है। नहीं 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 सर, हम तो बस आपकी बात पर थोड़ा विचार मनन कर रहे थे। जाइए फिर, बताइए अपने एसएचओ हसीना मलिक को हम क्या चाहते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ, जो भी जवाब हो मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। करिश्मा सिंह, मैडम सर हमने आपसे कहा था कि उन लड़कियों के हाँ में हाँ मत मिलाइए, बाद में देखा जाएगा जो होना होगा। अब सारा डंडा बिगड़ गया है मैडम सर।
हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं. आप ये बताइए कि आपकी रतन सिंह से मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हुआ मैडम सर, मुलाकात हुआ. उन्होंने कहा अगर आप, अगर हम क्या, अगर आप उनके सामने जाकर उन लड़कियों को साथ ले जाकर हाथ जोड़कर कान पकड़कर उनसे माफी मांगेंगी ना, तब वो मानेंगे. उनको लिखित में जब तक देंगी ना कि ये जो पूरा गलती है ना मैडम सर, ये लड़कियों के व्यवहार का है, उनका घटिया सोच का नहीं है, तब वो मानेंगे. मैया कसम, अगर वर्दी का लिहाज नहीं किया होता ना मैडम सर, लिटा के धोते उसको. ठीक है, हम मांग लेते हैं माफी. हाँ करिश्मा सिंह, अगर हमारे माफी मांग लेने से ये सारा टंटा खत्म हो जाता है तो फिर मांग लेते ना, माफी तो है. ये क्या कह रही है मैडम सर, आप समझ रहे हैं आप? करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर और नशे में चूर इंसान से तकरार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता. और उस रतन सिंह के सामने हम इन लड़कियों को कभी नहीं झुकने देंगे. बदले में अगर हमें अपने गुरूर को झुकाना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम मांग लेंगे माफी. नहीं मैडम सर, ये गलत है मैडम सर. आप पहले तो आप उन लड़कियों को विश्वास दिलाती हैं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, इस लड़ाई में आप उनके साथ हैं, और अब आप खुद ही रतन के सामने माफी मांगने जा रही हैं. नहीं मैडम सर, आप हीरो हैं, सिर्फ उन लड़कियों की नहीं, आप हमारी भी हीरो हैं. अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर, आप समझ रही हमारी बात को? हम करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त का तकाजा है. इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों का फ्यूचर, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा, और आप अच्छे से जानती हैं कि एक बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गई तो उनका करियर, फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा करिश्मा सिंह. और वैसे भी एक असली हीरो अपने गुरूर के आगे हमेशा किसी और की जिंदगी को ही रखता है. उन लड़कियों की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं. जय हिंद. निकलवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में. आप हीरो हैं, अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद. बैठिए. शुक्रिया. क्या लेंगी, कुछ खाने पीने के लिए? वैसे अगर आप भी आई रतन ठाकुर के मामले में कोई फेवर मांगने के लिए आई हैं तो भूल जाइए. अपने सीनियर से माफीनामा मांगकर जो गलती तुमने की है उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा. आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी है जिसे हम वापस नहीं लेंगे. लेनी भी नहीं चाहिए सर, अब गलती की है तो उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा. वैसे भी पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करना बेवकूफी की बात है. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम पीआई रतन ठाकुर से माफी मांग लेंगे. पता था हमें, पता था, आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप कितनी सही महिला है. बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, बिल्कुल सही फैसला. सर दरअसल हम यहाँ कुछ और मामले में आपसे बात करने आए. जी कहिए. सर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने हमारे महिला पुलिस थाने के लिए एक जिंगल लिखा था जिसे आप ही ने अप्रूव किया था सर. हाँ 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 हाँ.
याद है हमें, याद है। हाँ तो सर, दरअसल हम सोच रहे थे कि अगर उसी जिंगल पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और लोगों में पेश किया जाए तो हमारे शहर की महिलाओं में, लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए जो भरोसा है वो और बढ़ जाएगा। और हम अगर ऐसा करते हैं तो इतना अच्छा वीडियो अगर आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर के थ्रू अगर रिलीज किया जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ना सर, क्या लगता है आपको? क्यों नहीं, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो MLA विद्युत कुमार इज ऑलवेज रेडी। थोड़ा जल्दी, अब ठीक है सर? अरे तो ठीक है, किसी भी समय रख लीजिए उद्घाटन, हम हाजिर हो जाएंगे। सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। ठीक है सर, फिर हम चलते हैं, शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद। वैसे हसीना जी, जी सर, हमारे ख्याल से हमारा एक आइडिया है कि अगर आप मीडिया को भी आमंत्रित कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रचार जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये काम तो आसानी से हो गया, आगे के खेल के भी सारे मोहरे ऐसे ही सही जगह बैठ जाएं तो बाजी अपनी। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, शुक्रिया। जय 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 जय। जीते, इकबाल और बदनाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल तो आप ही दिख रही हैं पुष्पा जी, हटिए ना, बदनाम हो गया है उधर मार्केट में, लोग को चाय पिला के शमशान घाट बना दिया, सब लोग मर गया उधर। तो फिर इकबाल कहाँ है? अरे इकबलवा गया है अपने चाचा के दोस्त के माँ के बहन की बेटी का ऑर्डर लेने। बिरयानी का? नहीं नहीं संतोष जी, संतोष जी बिल्कुल भी नहीं, बिरयानी का नहीं, मेकअप का। यस सुनो तो, पता है पुष्पा जी, हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, हाँ। वो हमारी हमारे हमारे जन्मदिन की बस ऐसे तैयारी करके रखते थे। लल्ला के पापा? अब इनके स्वर्गीय पति। ओ तो पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? लल्ला के पापा जो थे ना, वो ऐसे हमारे जन्मदिन पे ना, लल्ला के पापा ऐसे ही स्टूल पे चढ़ के ना, बस आप मत चढ़िए। हाँ वो बस दिखा रहे थे ना उन्होंने क्या किया, ऐसे स्टूल पे ऊपर चढ़ के ना ऊपर झंडियां लगा रहे थे कि क्या कि टूट टूट गया और लल्ला के पापा ऐसे। पुष्पा जी संभालिए, पुष्पा जी आज ही खर्च हो जाइएगा आप। और फिर टूट गया केक? नहीं नहीं, केक को तो हम सब ने लपक लिया, बचा लिया उसे, मगर लल्ला के पापा वो जो गिर गए ना, उनकी चार फसलियां टूटी और पैर में 2 फ्रैक्चर्स आ गए। फिर क्या, फिर काटना पड़ा। क्या बात कर रही है पुष्पा जी, एक मिनट, लल्ला के बाबूजी का टांग काटना पड़ा? नहीं नहीं चीते, लल्ला के बाबूजी का टांग काट देते तो लल्ला कहाँ से होता। हाँ, संतु जी बाप रे बाप, संतु लल्ला के पापा का पैर काटने का और लल्ला का पैदा होने का क्या मतलब है? हाँ नहीं नहीं पुष्पा जी, जैसे वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते, आपका ध्यान रखते, तो मैं ऐसे आ रही, दौड़ भाग के ऐसे आ रही थी। हाँ, वो तो पता हमको तो लगा कि लल्ला। सुनो तो, हमारा जन्मदिन, लल्ला के पापा ने कहा कि जब तक हम केक नहीं काटेंगे ना हम अस्पताल में भर्ती होंगे ही। हाँ फिर क्या, मजबूरन केक काटना पड़ा, उसके बाद जाके वो अस्पताल में भर्ती हो गए। पुष्पा जी आपके और लल्ला के पापा की जितनी भी यादें हैं वो इतनी दर्दनाक कैसे हैं? माँ कसम वो यादें हैं पगली, और यादें ऐसी होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। पता है तुमको, आज भी जब हम लल्ला के पापा को याद करते हैं ना, हमारे अंदर से काते अंदर से देख रहे थे। गजब हो गई थी वो मजा। हम आप साहब, हेलो, हाँ हाँ आप बात कीजिए ना, वो सहेली कपूर है, बात करते हैं, आप बात कीजिए। मरोगे बेटा तुम, एक दिन मरोगे, जिस दिन हमारे हाथ लग गए ना तुम मरोगे, तुम्हारे सीने में ना हम गोली मार देंगे, तुमको ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे ना कि तुम जिंदगी भर याद रखो कि हमारा नाम पुष्पा सिंह है। ऐसी हो
मेरी रंग में रंगने वाली, हरी हो या परियों की रानी, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? हा? बताओ ना, ताकि उसी रंग का केक खिलाया जाए तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर। मुझे तो तुम्हारी जुओं की तंगी का रंग भी पता है जानू, ये तो फिर भी तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ ना, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? मैडम सर को क्या जरूरत है ये सब करने का? वो लसन रतन ठाकुर, इसके आगे झुकने का क्या जरूरत है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें केस दिया होता ना, हम अपने तरीका से इसको निपटाते और बताते उसको, लेकिन नहीं, मैडम सर को अपना जज्बातों का पीपरी बजाना है, वो तो बजाएंगी ना। मतलब हम बात कर रहे हैं, तुम इग्नोर कर रहे हो हमको। मतलब तुम आ रहे हो? क्या पता, आ भी चुका हूँ, तुम्हारे आस पास कहीं मौजूद हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। सच्चे आशिक जबान के पक्के होते हैं पुष्पी, अब तो चाहे कयामत भी आ जाए, एक तो तुम्हें मैं खिला कर जाऊंगा अपने हाथों से। आई लव यू पुष्पी। बक बक रख रख रख। ये तो मैडम सर का स्पीच है, आखिर चल का रहा है मैडम सर के दिमाग में?